कैसी है तेरी ये जुदाई, ओ काना आँख मेरी भर आई। ओ कैसी है तेरी ये जुदाई, ओ काना आँख मेरी भर आई। ओ काना मिटी मिटी ताली बजाओ सभी। हरी बोल कोई सुने गाना तेरे मन के ये टुकड़े, जब कोई सुने गाना तेरे मन के ये टुकड़े, जब ताना सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताना सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। एक बार तो ताना सुन कर देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, हो राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, हो राधा यू रो रो कहे। रोती हुई भगवान ने कहवी, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा क्या होती निराशा, क्या होती है आशा क्या होती निराशा। एक बार तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, ओ राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, ओ राधा यू रो रो कहे। ओ
बना के क्यों बिगाड़ा रे, फिर बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। और गोपियां परमात्मा के चरणा में पड़ी है, राधा जी भी चरणा में, और परमात्मा ने कहे हे गोविंद हे गोपाल आप रे बिना की कर रे वाला मां। आप तो कहो कि मैं जाऊं, लेकिन आप रे बिना की कर रे वाला मां। की कर माड़ा पल पल बीतेला हणी याद बिना। ओ साथ कभी कम नहीं करना, कृपा प्रभु तेरी कम नहीं करना। ओए सितम कर लेना, कृपा तेरी काना कम नहीं करना। ओए सितम कर लेना, मर जाएंगे हम तो वरना, इतनी कृपा कर देना। प्यार कभी कम नहीं करना, ओए सितम कर लेना। बनगट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। ए शाम तेरे खातिर वो गुट गुट कर यूं मरना, ए शाम तेरे खातिर गुट गुट कर यूं मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे। गोपिया गोपियां आंख के आंसू पड़ रिया है, सगली गोपियां भरत रे आगे आन सोएगी के प्रभु आपने अगर जानो है तो मन मत रथ निकल जाओ परा, लेकिन आपने नहीं जावन रहा। इतो प्रेम जिन टेमरा भगत रे मन रे मायने आ जावे परमात्मा वास्ते, तो परमात्मा वो दूर नहीं है मारा। तो केवे और राधा जी सब गोपियां ने समझावे और रसो देवे, और भगवान रथ रे मायने बैठे वे और जाऊन लागे उन टेमरा राधा जी केवे, रे कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, रे कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में। पूछे खास खैरियत से अपनी मंजिल की राहों में, ओ रे कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में। पूछे खास खैरियत से अपनी मंजिल की राहों में, तुझे तेरी मंजिल तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, ओ जाने वाले जाने वाले, ओ जाने वाले। किया हमने तुमको किया हमने तुमको प्रभु के हवाले, जाने वाले ओ जाने वाले जाने वाले ओ जाने वाले। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे।
बोले भक्त और भगवान की। और महाराज गोपियां रोती रही और परमात्मा गोपियां ने छोड़ और अपना रथ ले मथुरा री ओर परमात्मा निकल गया। गोपियां हैं रास्ता में बैठ गई और जड़ तक रत्री ध्वजा दिखती सब गोपियां देखती रही कि फाचक भगवान आ नहीं जा। और महाराज सब रोती रोती वटी बैठ गई और धीरे धीरे रथ ध्वजा रथ दिखनो बंद रेखो खाली धीरे धीरे वहां पीछे महाराज गोपियां रस्ता में बैठी बैठी उन दिन सु गोपियां भाई बिलोण बंद कर दियो कि किर बात बिलोवा बे किर बात ते माखन बनावा किर बात दही बनावा। और गोपियां गायन दूनी भूल गई भोजन करनो छोड़ दियो और तो और जिन दिन परमात्मा गया उन दिनों गोपियां यशोदा मैया राधा जी नींद नहीं ली सुबह आता बैठ जाता रास्ता रमायने और परमात्मा री बाढ़ जाऊ था महाराज। और अटिनू भगवान रथ रे मायने अक्रूर जी बैठा बैठा और अक्रूर जी रे मन रे मायने थोड़ी शंका ही कि मैं बाल कंत ले जाऊं और कंस कटिया ने मार नहीं दे और बालक छोटा है दोनों। तो भगवान मन में विचार करियो कि अक्रूर जी रे मन में शंका है और अक्रूर जी जो ही यमुना में स्नान करने वास्ते डुबकी लगाई और अंदर वेद कृष्ण कन्हैया शेष नाग माता सुता अक्रूर जी ने दर्शन दिया है। बोले भक्त भगवान की आवाज खोलो चेंज मत करो। अक्रूर जी ने भगवान दर्शन दिया है और अक्रूर जी ने मन में विश्वास रखो के मानो कन्हैया कोई साधारण नहीं है साक्षात परमात्मा है अब माने कोई डर नहीं कंसंस कोई नहीं मार सके। और महाराज धीरे धीरे भगवान और बलराम जी रथ मथुरा रे मन पहुंचे और भगवान बटे यमुना बाग कई नाम बाग रो यमुना बाग रे मायने नंद बाबा सगरा ग्वाल बाल और बलराम जी कृष्ण बटे यमुना बाग रे मायने रुकिया है। और अक्रूर जी जान कंस ने कह दियो कि मैं कृष्ण और बलराम जी लेने आएगा हूं अब तू जाने थारो काम जाने। और अट्टपाड़े कंस पूरी मथुरा नगरी में कह दियो कि कृष्ण और बलराम अयोड़ा है कोई भी वेणी जयजयकार नहीं करेला कोई भी वेणी माता फूल नहीं उछालेला ध्यान राख जो कि ठीक है। और अटेनू सगड़ा मथुरावासी कितने सालों आस लगाना बैठा कि कद कृष्ण का नहीं आवेला कद बलराम जी आवेला बना दर्शन माँ कद कराला। अब ये भगवान मन में सोचियो कि कंस उद्धार तो जल्दी जल्दी करनो पड़ी और भगवान नंद बाबा ने कियो कि बाबा माँ मथुरा नगरी देख क्या वहां कहीं कही कियो माँ मैंने बलराम भैया मथुरा नगरी देखने चाहवा जो ग्वाल बाल जान है माँ मथुरा नगरी देख क्या वहां कही नंद बाबा के वीरा तू हेणो गुणो है कही कियो तू हेणो गड़ो है और बनेठा है तू जावेला नगरी रमायने और कीन की तो उदम करन आवेला तू सीधो गुणो है भेस तो धन दू लेकिन तू सीधो सीधो जावेला कही कियो तू सीधो सीधो रहिजे और सीधो सीधो जाइजे भगवान के कि हम भीत आएगी तो पचे के बाद तू जाई मत अटे रजा कह नहीं नहीं मैं कोई उद्यम नहीं करूं और मैं सीधे सीधे जाऊं और सीधे सीधे फा चाहूं ठीक है। बलराम जी ने क्यों ध्यान राख जेरो क्यों टेढ़ो है इरा काम भी टेढ़ा है महाराज। अबे भगवान आज 11 वर्ष और 55 दिन रहिया कितना साल रहिया भगवान मथुरा का दया 11 साल रही जना आया भगवान। और भगवान जुई मथुरा नगरी में प्रवेश करियो गलियर मायने ऊपर मातावा भगवान माते फुलरी वर्षा कर रही है और जय जयकार लगा रही है। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
बलराम भैया की जय। अबे महाराज भगवान हैंगा पहले किन कन गया भगवान ये धोबी घाट क्या अपन देखो पुराना पुराना गब पेरने और आपा वो यज्ञ भूमि में जामा तो आपा भूडल लागा तो सगला ग्वाल बड़ा हलो अपाला धोबी घाट और बड़ा छोको छोका गब रही पेर ले हलो एन अट शंकर काम ही कोनी अत तो मार नानर है मारी मामा नगरी है टबर अपन नानर नानर जावे नहीं जने के बट नानर वोट कोई तकलीफ नहीं है खूब नानी रट जीमान खूब जीमा है अट तो अपनो राज है हलो और हैंगा पहले कट गया धोबी कने धोबी ने क्यों धोबी मामा राम राम धोबी ठाप पड़ गई भगवान कृष्ण ने के किकर आया थे ग्वाली आटे के मने कपड़ा चाहिए के थंटा को नेटा तो कंस जीरा कंस राजा का कपड़ा धुपे ये सब कंस रा कपड़ा है के सामे वणो भांजो कहां भांजो रेला नहीं था जगह रेला और भगवान ने अब सब क्यों लागो के जाओ प्राट ने बाकी ठीक नहीं रेला नहीं मानियो भगवान एक थप्पड़ी ठोकी मुंडा माते और कंस रो उठाई धोबी रो उठाई राम धोबी रो उठाई काम तमाम कर दियो महाराज और भगवान सब ने कह दिया पैर लो कबा। अब महाराज ग्वाल बाल तो है छोटा छोटा और गबा है ए कंस ना मोटा मोटा हाले नहीं तो हैंग रोड साफ रहे लड़के एडा गबा तो भूंडा लगा। अब आपने बताओ धोबी कौन हो धोबी रो भगवान उद्धार करियो वो धोबी वही जो जिको जिन टेमरा सीता मैया फाचा आएगा नहीं भाई रावण ने मार सीता मैया लिया राम जी तो एक दिन कोई धोबी री पत्नी कटे बारे की ओड़ी कटे पीर गई वो आन आप लुगई ने केवे कि मैं कोई राजा राम थोड़ी हूं जिको एक 14 साल तक बारे रही घड़ा टाइम तक लंका में रही लुगई ने फाची आपने घर में बाढ़ दी मैं राम जी को नहीं हूं और वो आप लुगई ने बाहर निकाल दी। अब आज भगवान कन पहुंची और धोबी के कारण भगवान ने फाची सीता मैया ने फाची घर बार निकालना पड़िया क्यों उठने और मर्यादा रमायना भगवान भगवान की विंटे हमारा तो मैं मर्यादा रमायना हो क्यों को नहीं अब आ तू लाइन रमायण है अब मैं भगवान कृष्ण बनाया हूं और भगवान पति आप विरो धोबीरो उद्धार करियो वो इस धोबी भगवान फाचो विरो बदलो पूरा करियो बोले भक्त और भगवान की। अबे भगवान सीधा गया दर्जी कने किन कने गया दर्जी कने गया क्यों गब आए मोटा मोटा के भाई दर्जी भाई दर्जी मामा एंड गबन से कर कहा दर्जी ठा पड़ गई धोबी रो काम तमाम करने आया है पूरा बात फैल गई हाँ बार कर दिया उसा और बढ़िया फाटा कपड़ा ने सही कर दिया और हैंगा ने पहरा दिया। अब एकदम बढ़िया गबा पेर लिया और दर्जी ने आशीर्वाद दिया भगवान के खूब कलजुग रे मायने खूब कपड़ा हिंजो खूब लोगों को पाया लीजो और आनंद और मौज कर जो महाराज दर्जी ने आशीर्वाद दियो। अबे भगवान आगे पहुंच गया तो हमें एक माली मिल गया कौन माली जी कंस वास्ते बढ़िया माड़ा ले जावता और भगवान ने देख गया और माली नाम कहियो श्रीदाम माली कह नाम हो सुदाम माली कह नाम हो सुदाम माली वो भगवान ने बढ़िया माला पहराई हैंगा ने माला पहराई थी फूल उछाड़िया और क्यों के वाह ते मन माला पहराई भगवान थाने खूब राजी राग जो अंधंधा भंडार भर जो भगवान आशीर्वाद दियो और माली ना आशीर्वाद देवरा परमात्मा आगे पधारिया है महाराज और आगे जावता तो कंसरी एक दासी मेरे कोई नाम हो कुब्जा कई नाम हो कुब्जा वह कंस वास्ते बढ़िया चंदन घसन ले जावती तिलक वास्ते और जो भी नारी ने देखी मैंने स्त्री ने देखी भगवान की हो ए सुंदरी कई की हो ए सुंदरी। अब महाराज वह 3-4 जगह टेडी बाकी है और हालती तो यू लागती कोई कोई धनुष हाले है टेडी बाकी और कमर झुकी ओड़ी ने पूरी मुड़ी हाथ पग हैं। अब एडी लुगई ने कोई केवे के सुंदर स्त्री
तो हंसी बात है, एक परमात्मा भी ने कियो ये सुंदरी, तो वह के मैंने आज तक मार जिंदगी मायने कोई सुंदर स्त्री नहीं कियो, और एक जो मन के सुंदर स्त्री। और महाराज भगवान के कहते कई ले जाओ के वो तो चंदन है, और मैं कंसदासी हूं और मारो नाम है सिरंदरी। क्या नाम है? सिरंदरी। और मैं हमारे कमर तीन चार जगह झुकियोड़ी है और टेडी भांकी हूं मैं, इन वास्ते हैं मैंने कुब्जा के हुए। भगवान के थे तो बड़ा सुंदर हो कि महाराज क्यों मजाक करो कि मैं क्यों नहीं। और भगवान मेरी ठोडी माते हाथ रख परो हिचकी माते और एक झटको दियो और वह एकदम सुंदर स्त्री बन गई बोले भक्त और भगवान की, और पूरा रूप सुंदर हो गयो। भगवान जी हाथ लाग जा एकदम सुंदर बन गई एकदम। और क्या करे कुब्जा ने भी भगवान जी पटना नहीं बढ़िया करे क्या नहीं, गोपियां छोड़ बड़ा पटना नहीं बनाई कुब्जा ने, इतनी सुंदर बन गई। और महाराज वह आप रूप देखियो बड़ी मगन होगी। और भगवान ने कियो अब मैं तो आप रे तिलक काटू कंस काटू नहीं काटू आप रे तिलक काटू। और कुब्जा का क्या अपनो नाच लो जिन पग दुखता रहे उबार जाओ नाच लो थोड़ा सा भगवान ने कीर्तन में। रे मन श्याम सुंदर मन भायो केसर रो रे तिलक लगायो, उबार जाओ भगवान मत करो मन श्याम सुंदर मन भायो केसर रो रे तिलक लगायो, मन श्याम सुंदर मन भायो केसर रो तिलक लगायो, मन और दाई नहीं आयो केसर रो रे तिलक लगायो, मन और दाई नहीं आयो केसर रो तिलक लगायो। दोनों हाथ से करो ताली रे साथ हरि बोल। ओ केसर चंदन और अरक जा वही पीस मंगवायो रे, केसर चंदन और अरक जा वही पीस मंगवायो रे, रत्न कटोरा अमृत भरिया रत्न कटोरा अमृत भरिया संत जन लेने आयो, केसर रो रे तिलक लगायो मन और दाय नहीं आयो। यह तारे साथ यह हरि बोल। देखो भजन में भाई ने मीठी मीठी ताली बजाओ और आवार नहीं करता रहो ठीक है, आवार नहीं भी मंदिर वास थे ये मैं कौन ले ठीक है। और जिन मन में आ जावे ऊपर नाच लो, जो नाचे भगवान रे आगे मेरा भाग कुरुमला जागे महाराज। सतगुरु आई चरण पग धरिया मोती डारो चोक पुरायो रे, सतगुरु आई चरण पग धरिया करे सेवना पंखा पाव ढुलायो, केसर रो तिलक लगायो मन और दाई नहीं आयो, केसर रो रे तिलक लगायो मन श्याम सुंदर मन भायो केसर रो तिलक लगायो। जय हो। ओ वृंदा
वृंदावन में खड़ो सांवरो कल सोड़ा श्रृंगार रे जमुना तट पर खड़ो सांवरो कर सोड़ा श्रृंगार रे मधुर मधुर बांसुरिया बाजे